ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। देखिए बच्चों हम लोग शारी मूलकों के परीक्षण के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग शून्य समूह और प्रथम समूह के बारे में पढ़ चुके थे यानी शून्य समूह के अमोनियम धनायन के बारे में और प्रथम समूह के लेड धनायन के बारे में हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से इनका परीक्षण किया जाता है इनकी टेस्टिंग की जाती है और देखिए बच्चों आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय समूह की और द्वितीय समूह में भी हम पढ़ेंगे लेड धनायन के बारे में यानी द्वितीय समूह के लेड धनायन का परीक्षण किस तरीके से किया जाता है और देखिए जो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक चीज समझने की है कि जो लेड धनायन है यानी Pb2+ जो धनायन है वो प्रथम समूह में भी है और वो द्वितीय समूह में भी है और कभी-कभी क्या होता है प्रथम समूह में लेड धनायन को हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है द्वितीय समूह में इसे फाइंड आउट किया जाता है क्लियर है तो आज हम लोग इस द्वितीय समूह के लैड धनायन के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे और देखिए बच्चों इस प्रयोग को समझने से पहले मैं आपको जो द्वितीय समूह है उसके परीक्षणों के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से द्वितीय समूह के धनायनों का परीक्षण किया जाता है क्या तरीका होता है और क्या स्टेप होती है और देखिए बच्चों ये समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से द्वितीय समूह के मूलकों का या द्वितीय समूह का धनायनों का परीक्षण किया जाता है तो आपको लैड धनायन के परीक्षण को समझने में और आसानी होगी ठीक है और देखिए बच्चों अगर द्वितीय समूह की हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या आते हैं लेड धनायन आता है कॉपर धनायन आता है और आर्सेनिक धनायन आता है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे समूह सेकंड के धनायनों का विश्लेषण यानी सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी कि जो समूह सेकंड के धनायन होते हैं उनका किस तरीके से विश्लेषण किया जाता है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और उसके बाद हम उस प्रयोग को पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग द्वितीय समूह के लेट धनायन का परीक्षण करते हैं तो देखिए समूह फर्स्ट अनुपस्थित रहने पर उस परख नली में जल आधिक्य में मिलाते हैं तथा विलयन को गर्म करके H2S गैस प्रवाहित करते हैं देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी क्या होता है, है।, है तो परीक्षण करते हैं और मूल विलयन लिया और लवण के मूल विलयन में हम लोगों ने क्या डाला तनु एच सी डाला अगर वहां पर कोई भी अवक्षेप नहीं आता है इसका मतलब है कि हमारा जो प्रथम समूह है वो अनुपस्थित है अब हम क्या करेंगे इसी विलयन में द्वितीय समूह का परीक्षण करेंगे द्वितीय समूह का टेस्ट लगाएंगे इसके लिए हम क्या करते हैं उस परख नली में अधिक्य में जल मिलाते हैं विलयन को गर्म करते हैं और उसके बाद उसमें हम H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करते हैं और ये मैंने आपको बताया भी था कि द्वितीय समूह के लिए जो समूह अभिकर्मक होता है वो क्या होता है HCl की उपस्थिति में H2S गैस ठीक है तो देखिए जब हमने एच टू एस गैस प्रोवाइड की यदि कोई अवक्षेप प्राप्त होता है तो समूह सेकंड की उपस्थिति का पता चलता है अब देखिए ध्यान दीजिए अगर वहां पे हमें कोई भी अवक्षेप प्राप्त होता है इसका मतलब है सेकंड समूह उपस्थित है इसका पता चलता है काला अवक्षेप देखिए जो ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वहां पे कोई ब्लैक पीपीटी आता है काला अवक्षेप आता है तो कॉपर टू प्लस अथवा लेड टू प्लस आयनों की उपस्थिति को दर्शाता है देखिए समझिए अगर वहां पे काला अवक्षेप आता है इसका मतलब है द्वितीय समूह में सी यू टू प्लस अथवा लेड टू प्लस यानी इनमें से कोई भी धनायन हो सकता है ठीक है आगे देखिए जबकि पीला अवक्षेप आर्सेनिक एस थ्री प्लस आर्सेनिक आयनों की उपस्थिति को दर्शाता है जबकि देखिए बच्चों अगर पीला अवक्षेप आता है तो वो आर्सेनिक धनायन की उपस्थिति के बारे में बताता है क्लियर है यहाँ तक की बात समझ में आई आगे देखिए अब देखिए आगे क्या करते हैं इस अवक्षेप को परख नली में लेकर पीत अमोनियम सल्फाइड विलयन का आधिक्य मिलाते हैं समझिए बच्चों जो भी अवक्षेप आया यानी अगर हमारा कॉपर और लेड यानी ये दोनों धनायन होंगे जब तो काला अवक्षेप आएगा और अगर आर्सेनिक धनायन उपस्थित होगा तो पीला अवक्षेप आएगा हम क्या करते हैं जो भी अवक्षेप आया है उसको टेस्ट ट्यूब में परख नली में लेते हैं और उसमें पीत पीत का मतलब होता है पीला यानी उसमें पीला अमोनियम सल्फाइड विलियन मिलाते हैं अब आगे देखिए यदि अवक्षेप ए घुलनशील हो तो समूह सेकंड ए उपस्थित होता है देखिए बच्चों समझे यहाँ पर कि यदि अवक्षेप हमारा ए घुलनशील हो तो इसका मतलब है समूह सेकंड ए देखिए बच्चों समूह सेकंड ए समूह सेकंड ए का मतलब होता है इसमें यहाँ बात हो रही है कॉपर धनायन और लेड धनायन के बारे में तो देखिए समझे यहाँ पर कि जो सेकंड समूह है उसको भी सेकंड ए और सेकंड बी दो वर्गों में डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में और सेकंड ए की बात करें तो इसमें कौन कौन सा धनायन आते हैं कॉपर प्लस टू और लैड प्लस टू ठीक है आगे देखिए यदि अवक्षेप ए घुलनशील हो तो समूह सेकंड ए उपस्थित होता है और यदि अवक्षेप घुलनशील हो तो समूह सेकंड बी की उपस्थिति का पता चलता है और देखिए बच्चों अगर अवक्षेप घुलनशील हो जाता है तो किसकी उपस्थिति का पता लगता है सेकंड पी तो देखिए समझिए यहाँ पर सेकंड बी की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड बी में क्या आता है आर्सेनिक थ्री प्लस ठीक तो है, है, है तो देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिए जो हमारा द्वितीय समूह है सेकंड ग्रुप है सेकंड समूह है तो सेकंड समूह को सेकंड ए सेकंड बी इस तरीके से डिवाइड किया गया है सेकंड ए में कॉपर धनायन धनायन लेड ये दोनों धनायन आते हैं और सेकंड बी की बात करें तो वहां पे आर्सेनिक धनायन आता है अब देखिए मतलब क्या है यहाँ पर कि देखिए जो भी अवक्षेप आया यानी अगर काला अवक्षेप आया तो वो कॉपर और लेड धनायन के बारे में बताता है और पीला अवक्षेप आया तो वो आर्सेनिक धनायन के बारे में बताता है हम क्या करते हैं अवक्षेप को में लेते हैं उसमें पीला अमोनियम सल्फाइड मिलाते हैं और अब हम देखते हैं कैसा अवक्षेप आया तो देखिए बच्चों अगर अवक्षेप अवक्षेपील है इसका मतलब सेकंड ए उपस्थित हो सकता है और अगर जो हमारा अवक्षेप है वो गुलनशील है इसका मतलब सेकंड भी उपस्थित हो सकता है ठीक है और फिर आगे निशात्मक परीक्षण करते हैं और उसके बाद आगे क्या करते हैं निशात्मक परीक्षण तो देखिए बच्चों एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या परीक्षण लगता है देखिए तो देखिए बच्चों इस से आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं देखिए हम एक एक चीज को लेकर चलेंगे अब देखिए बच्चों क्या हुआ समूह सेकंड ए के धना पीबी टू प्लस सी यू टू प्लस का पीत अमोनियम सल्फाइड में गुलनशील कालावक्षेप प्राप्त होता है यानी हमने क्या देखा था कि जो हमारा कॉपर धनायन और लेड धनायन उनके लिए काला अवक्षेप प्राप्त होता है और देखिये काला वक्षे, पीत अमोनियम सल्फाइड में क्या होता है होता है है ठीक अब देखिए आगे हम क्या करते हैं समूह सेकंड ए के अवक्षेप को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलने के बाद कुछ बूंदे एल्कोहल की और तनु एच टू एसओफर की मिलाते हैं देखिए तो समझिए अब हम क्या करते हैं भाई तो जो हमारा अवक्षेप है देखिए पहले इसको समझिए देखिए बच्चों जो हमारा अवक्षेप है जो कि क्या है पीत अमोनियम सल्फाइड में अघुलनशील है तो हम क्या करेंगे अवक्षेप को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलेंगे ठीक है एच एन ओ थ्री जो तनु एच एन ओ थ्री है नाइट्रिक अम्ल उसमें घोलेंगे उसके बाद उसमें कुछ बूंदे एल्कोहल की और कुछ बूंदें हम तनु एच टू एस ओ फोर की मिलाएंगे ठीक है अब देखिए बच्चों अगर श्वेत अवक्षेप आता है समझिए अगर वहाँ पे श्वेत अवक्षेप आता है इसका मतलब पी बी टू प्लस हमारा क्या है उपस्थित है और जो हमारा सी यू टू प्लस है वो क्या है अनुपस्थित वापस देखिए बच्चों यानी इस तरीके से अवक्षेप में तनु नाइट्रिक अम्ल और कुछ बूंदे एल्कोहल और तनु मिलाने पर श्वेत अवक्षेप मतलब हमारा लैड धनायन वहां पे उपस्थित है और जो कॉपर धनायन है वो अनुपस्थित है क्लियर है अब हम क्या करेंगे परीक्षण करेंगे तो देखिये लैड धनायन के लिए क्या परीक्षण करेंगे समझिएगा देखिए बच्चों श्वेत अवक्षेप Pb2+ टू प्लस आयनों की उपस्थिति संपुष्ट करता है अब देखिए हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे अवक्षेप को अमोनियम विलयन में घोलते हैं यानी अब हम क्या करेंगे जो अवक्षेप आया है यानी जो अवक्षेप है श्वेत अवक्षेप उसको अमोनियम एसिटेट विलियन में घोलेंगे फिर एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करके विलियन को दो भागों में बांटते हैं ठीक है थीके? आया समझ में अब क्या करेंगे पहला देखिए पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलियन मिलाते हैं और अगर पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलियन मिलाने पर पीला अवक्षेप आता है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा लैड है थीके? इसी तरीके से देखिए दूसरा देखिए दूसरे भाग में पोटेशियम आयोडाइड विलियन मिलाते हैं दूसरे भाग में क्या मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड विलियन और अगर अब भी पीला अवक शेप आता है इसका मतलब हमारा जो लैड धनायन है वो क्या है उपस्थित है या निश्चित है ठीक है तो ये तो हमने बात कर ली लैड धनायन की अब देखिए बच्चों अगर यहाँ पे समझिए समझने की कोशिश कीजिएगा देखिए बच्चों यहाँ पे जब हमने अवक्षेप में तनु नाइट्रिक अम्ल और कुछ बूंदे एल्कोहल और तनु H2SO4 की मिलाई और उसके बाद में कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब है हमारा जो कॉपर धनायन है वो उपस्थित हो सकता है ठीक है अब देखिए यदि कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलियन को आधिक्य में मिलाते हैं देखिए बच्चों अगर कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो हम क्या करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलियन को आधिक्य में मिलाते हैं और देखिए नीले रंग का विलियन प्राप्त होता है यानी अगर नीले रंग का विलियन प्राप्त होता है इस समय क्या पता लग गया हमारा कॉपर धनायन वहां पर क्या है उपस्थित है आगे देखिए इसे इसे यानी जो हमें नीले रंग का विलियन प्राप्त हुआ है इसे एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करके पोटेशियम फेरो साइनाइड विलियन मिलाते हैं चॉकलेटी भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है और देखिए बच्चों इससे हमें क्या पता लगता है इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा कॉपर धनायन है वो क्या है निश्चित है ठीक है आई बात समझ में तो देखिए ये तो हमने बात कर ली हमारे लेड धनायन के बारे में ये हमने बात कर ली कॉपर धनायन के बारे में और देखिए दोनों ही किस में आते हैं सेकंड ए समूह में ठीक है यानी इस तरीके से सेकंड ऐस समूह का परीक्षण किया जाता है अब हम बात करते हैं सेकंड बी की देखिए जो समझेगा यहाँ पे

यदि पीत अमोनियम सल्फाइड में गुलनशील पीला अवक्ष प्राप्त होता है तो हमारा आर्सेनिक ए एस थ्री प्लस है ठीक है अब निश्चात्मक परीक्षण देखिए अब क्या करेंगे विलियन को तनु एच से अम्लीकृत करते हैं तो पीला अवक्षेप बनता है समझिए ये जो हमारा पीला अवक्षेप है और जो या फिर हम कह सकते हैं जो विलियन है उसमें हम तनु एच सी एल डालेंगे और अगर तनु एच सी एल डालने पर भी पीला अवक्षेप आता है यानी हमारा आर्सेनिक धनायन उपस्थित है या निश्चित है अवक्षेप को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कर अमोनियम मोलिडेट विलियन मिलाते हैं और कैनरी पीत अवक्षेप प्राप्त होता है इससे भी हमारा क्या पता लगता है कि हमारा जो आर्सेनिक धनायन है वो निषेध ठीक है तो आई बात समझ में आपको कि किस तरीके से देखिए बच्चों हमारे जो सेकंड समूह है उनका परीक्षण किया जाता है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और अब हम चलते हैं तो किस तरीके से जो हमारा लैर धनायन है यानी द्वितीय समूह का जो लैर धनायन है उसका परीक्षण किया जाता है तो देखिए हमारा प्रयोग नो जो समझिएगा उद्देश्य क्या हो गया दिए गए अकार्मिक कार्मिक में लेड धनायन की पहचान करना यानी हमें अकार्मिक लवण दिया गया है उसमें लेड धनायन को पहचानना है देखिए आवश्यक सामग्री क्या क्या हो गई परख नलिया परख नली होल्डर परख नली स्टैंड क्वन नली आवश्यक अभिकर्मक एवं काच की छठ क्लियर है आगे देखिए अब देखिए लेड धनायन का परीक्षण देखिए बच्चों कैसे क्रमबद्ध परीक्षण करते हैं हम लोग समझिए देखिए बच्चों पहला देखिए प्रारंभिक परीक्षण देखिए इसका लवण के मूल विलियन में एच डालने पर हम क्या करेंगे लवण लेंगे यानी लवण का मूल विलियन लेंगे उसमें हम तनु एच डालेंगे कोई अवक्षेप नहीं आता है इसका मतलब प्रथम समूह हमारा क्या है अनुपस्थित है।, है ना तो सबसे पहले प्रथम समूह को अनुपस्थित बताएंगे अब देखिए क्या करेंगे जो विलियन है यानी जो लवण के मूल विलियन में हमने एच सी एल डाला है उसी में हम क्या करेंगे देखिए उपरोक्त विलियन में उपरोक्त विलियन में जल मिलाकर गर्म करते हैं देखिए तो समझिएगा देखिए उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर देखिए समझिए जो उपरोक्त विलयन है उसमें जल मिला के गर्म करेंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसमें प्रवाहित करते हैं काला अवक्षेप आता है जो पीले अमोनियम सल्फाइड में रहता है तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेकंड ए समूह है उसमें लैड धनायन या कॉपर धनायन हो सकते हैं तो देखिए यहां पर भाई लैड धनायन एवं कॉपर धनायन हो सकता है ठीक है अब आगे देखिए अब हम क्या करते हैं आगे देखिए बच्चों समझिएगा अब देखिए अवक्षेप को यानी देखिए जो अवक्षेप है, है, है जो कि पीले अमोनियम सल्फाइड में ए मिले है उसमें हम क्या करेंगे तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे और उसको घोलेंगे और उसमें हम कुछ बूंदे एल्कोहल की और कुछ बूंदे तनु एच की मिलाएंगे और अगर श्वेत अवक्षेप आता है यानी हमारा धनायन हो सकता है ठीक है आगे देखिए अब हम इसका निषात्मक परीक्षण करेंगे कि भाई हमारा लेट धनायन वास्तव में उपस्थित है क्या तो देखिए क्या करेंगे श्वेत अवक्षेप को अमोनियम एसिटेड विलियन में घोलकर एसिटिक अम्ल डालते हैं और विलियन के दो भाग करते हैं देखिए जो हमने पढ़ा भी था भी, हम क्या करेंगे जो श्वेत अवक्षेप है समझिएगा जो श्वेत अवक्षेप है श्वेत अवक्षेप को अमोनियम एसिटेड विलियन में घोलेंगे फिर उसमें एसिटिक अम्ल डालेंगे विलियन के दो भाग करेंगे पहला देखिए पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे पीला अवक्षेप आता है यानी हमारा जो लैर धनायन है वो

दिए गए लवण में धनायन लेड आयन पी बी टू प्लस उपस्थित है ठीक है आज समझ में कि किस तरीके से जो हमारे सेकंड ए समूह में लेड धनायन है उसका परीक्षण किया जाता है तो देखिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और इन टेस्ट को लगाकर देखते हैं ठीक है तो चलिए लैब में